अब केहू कही कि ए तो उपचुनाव रहा है, एक में कौन बड़का बात बा। हर गेम हर वक्त फाइनल होगा मंडल के, सीधा 36 के आंकड़ा बा, ये सारा लोग जानता। आम जनता के कोनो जरूरत बा तो जा करके इनका से भेंट करेला, इनका से जुगाड़ करेला। इनका पत्नी भी पॉलिटिक्स में ही बारी, ये सारा बात कभी कभी को साइन कर दो। लेकिन ये जो एक गठबंधन में कांग्रेस टीएमसी जेडीयू आप और डीएम के बारे, इनका संगे संगे दो तीन तीन अदू पांच पांच सीट के इनका फायदा हुई बा। लेखा नहीं है तीस, हम 30% मानते हैं कि 30% एने बात, 30% उन्हें सवर्ण और दलित बात, 60% तो खत्म हो गई, बाकी बचल 40%। वो 40% यानी 63 को सीट जो बाचा था, वो 63 सीट में 40 सीट के आसपास ऐसे हूं तो देख लो 30 सीट के आसपास जा रहा। नमस्कार, प्रणाम, गोर लगत नहीं, बहुत बहुत स्वागत बार उरा सब के आपन सो खूटा पर। काल देखनी कि रुपौली के उपचुनाव में केवतिया निर्दलीय प्रत्याशी के दबदबा एक बार फिर पूर्णिया के धरती पर कायम हो गई। शंकर सिंह जीत गईले और जीत के बाद से पप्पू यादव के चेहरा पर खुशी रहे। हालांकि पप्पू यादव के चेहरा पर काहे खुशी होता, ये बात सब केहू के पचत नहीं के कि पप्पू जी इतना खुश काहे बानी। का वहाँ के चाहत रही कि शंकर जी जीती हैं और जीत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एगो जोन चलल बा पूर्णिया में कि निर्दलीय ही जीती सब जगह वो कायम करी हैं। खूटा ठोक पर आज तमाम विषय पर चर्चा हुई रुपौली के आसपास ही। हमने के रब जा कि रुपौली में हार से बदल गई गेम, एनडीए से बाहर निकली हैं नीतीश। चिंता तो के विषय तो एनडीए के लिए भी बा, ऐसे कि कालाधर मंडल जदयू के प्रत्याशी रहले वो हार गईले। क्या ई हार के वजह से नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ली है? चलिए खूटा ठोक पर खोटा ठोकाओ ला बाबा हमारा साथ जुट गई बनी बाबा। काल रुपौली के रिजल्ट आ गई, शंकर सिंह निर्दलीय जीत गई वजह से। अभी जीत के बाद नीतीश कुमार के प्लानिंग में कुछ चेंजेज आई का? लिटमस टेस्ट रहल है ये सीट। पूरे विश्लेषण से पहले दो लाइन बता दी कि सब अपने बारे आब केकर गिनवाओल जाओ, सब अपने बारे आब केकर गिनवाओल जाओ, चली ना पहले अपने के आईना देखाओल जाओ। वाह, का लाइन बा। सबसे बड़ बात बा कि जे कुछ भी भइल, याद हुई तरह कि सब कोई रुपौली 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 कहते रहे, हम कहीं रुपौली के चुनाव रुपौली के चुनाव नहीं के, रुपौली के चुनाव 2025 के सेमीफाइनल बा। रुपौली में जे जीतल ओकर बल्ले बल्ले, जे हारल उ घरे लीग मैच के तरह ही रहा। जी, जी। और ए लीग मैच में दू गो दिग्गज, अब केहू कही कि ए तो उपचुनाव रहा है, एक में कौन बड़का बात बा। हर गेम हर वक्त फाइनल होगा। अगर इस समझ के कोनो खिलाड़ी ना खेले तो खिलाड़ी नहीं खे अनाड़ी बा। और ये खेल के निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी वही तरीका से खेल रहे हैं कि खिलाड़ी के तरह खेल रहे हैं, लेकिन हार गई ले। अगर ऐसा ना रही तो पूरा एनडीए के ऊर्जा जो कैंप लागल रहे और एक से एक दिग्गज नेता जात रहन, एकर अहमियत तू समझ गिलो? अहमियत रहे तभी तो इतना लोग जात रहे। हाँ, तो नीतीश कुमार का जरूरत रहे? जैसे तेजस्वी यादव कहले कि अरे केहू के जरूरत नहीं, अकेले अकेले जी जाए। लोकसभा में जमानत ना बाँचल, एकरा में जमानत तो बाँच गई लेकिन लड़ाई में ना रहा। केहू चर्चा लोग करे वाला तक ना रहे। बैलेट बॉक्स या कहल जाओ कि ईवीएम मशीन से जब ऐसे ऐसे अंगुरी धके गिनात रहे तो खोजल जात रहे, दिया लेकर ललटेन लेके खोजात रहे कि केने बाड़े बीमा भारती वाला बोटा बा। बड़ा विकट स्थिति हो गई। लेकिन एकरा साथ साथ सबसे ज़्यादा विकट स्थिति देखो, काल से हम लगातार ये बात कह रहे बनी रत्नेश कि नीतीश कुमार खातिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है। कारण कि फैसला नीतीश कुमार ले रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो उनका एक औरा बना रहे ओकरा के बरकरार रखे खातिर ये सीट उनका जीतल बहुत जरूरी रहे। ये भी बात हम कहनी कि संजय झा के पहले के हाली गर्दन में फंसरी लगा दिले ये चुनाव के ठीक पहले संजय झा के जिम्मेवारी देकर के। और बेचारे संजय झा अपना मेहनत कम ना कैले, जबरदस्त मेहनत कैले। वो ओजा रह करके ओजा के जो लोकल नेता बाड़े
जे इन्फ्लुएंस करे वाला बा वो सारा लोग के जुटा के जरा पर संभावना तक ना रहे कि उनका संगे बैठी हैं वो सब लोग के अपना भीड़ी बैठा करके और सब लोग से आग्रह रिक्वेस्ट करके और जाके वोट ट्रांसफर कर रोले। यही कारण है कि कलाधर मंडल लड़ाई में अले ना तो जो स्थिति तरह नजर आत रु में शंकर सिंह बहुत दूर तक ले निकल गए बड़े ना एगो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जैसा ठोकत होके याद हो कि जब इनका अनाउंसमेंट के लिए रहा हम तो सबसे पहला फोन भारत लाइव भर और फोनो उनका से ले ले रही जा बिल्कुल फोनो लेला के बाद वो अपने से कहले कि सारा बात बेचारे पहले अंदर के बात कहले ओकरा बाद इतना माने कैलकुलेटेड ढंग से बात कहले रहन जौन कि सबके पसंद आई और नेतृत्व नेता ऐसने होला। आज वो जीत गए तो ना वो दिन भी हम बात कहले रही और आज भी कहता नहीं कि वो कहले कि हम निर्दलीय ऐसे लड़ता नहीं कि एजा के जनता के डिमांड बा एजा के जनता त्रस्त बाड़ी 20 साल में कोई विकास नहीं छे हुई जबकि दू दू टर्म मंत्री रह लिए जाके विधायक दूसरका कि उनका पति के और उनका परिवार से आतंकित बाई जाके लोग बड़ी खुल के कहले जौन भीतर के बात मतंत्र से बताओ तनी और शंकर सिंह के और अवधेश मंडल के सीधा 36 के आंकड़ा बा ये सारा लोग जानता आम जनता के कोनो जरूरत बा तो जा करके इनका से भेंट करेला इनका से जुगाड़ करेला इनकर पत्नी भी पॉलिटिक्स में ही बाड़ी ये सारा बात के लेकर के ये अलग तरह से अपन राजनीति करते रहे और अब तक 5-6 बार चुनाव लड़ चुकल बड़े चुनाव के अनुभव इनका लग रहा मौका ना मिल रहा अवसर ना मिल रहा अब की हाली वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब बात करते रहन तो हमें साफ कहले कि हम लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के नहीं की जात हम कुछ समय खातिर ओजा से हम निजात पाओ तनी चूँकि हमारा भी प्रूफ करे के बा और सबके प्रूफ करे के बा हम जानता नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी के एजा से टिकट ना मिली ये चलते हमारा अलग होके पड़ता कारण कि जनता चाहता रही कि हम चुनाव लड़ी बिल्कुल 2005 में चुनाव लड़ रहा उनका दुर्भाग्य रहे 10 में भी लड़े में लगातार 6 वाली चुनाव लड़ चुकल बड़े वो तो कहीं ना कहीं यह चुनाव के एक चुनाव के रूप में देखल एकरा अलावे जौन वर्तमान परिस्थिति बनल बा कि अभी अभी लोकसभा चुनाव जीत के अल NDA के बारे में हम कहते नहीं से बिहार के बात तो हम बतेबे कहीं नहीं लेकिन बिहार के आधा बात छोड़ के हम फिर आगे जाता नहीं आगे ऐसे जाता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव में 3 जो सीट जीता रहे ओकरा में से 1 सीट लॉस कर गई कांग्रेस 2 सीट जीता रहे 4 सीट जीतल यानी कि कांग्रेस के 2 प्लस भइल देखा कहाँ कहाँ खेल घूम रहा बा जी, जी, जी। जब कांग्रेस घूम गई नीतीश कुमार जो सोती देखौले ओकरा में बढ़न भूर फोड़ के पानी हर हर गिरता अब जौन कांग्रेस बा वो 2 सीट जीत रहे और 4 सीट जीत के आई एक मतलब कि 2 ओकरा प्लस भइल एजा 1 इनका माइनस होता भाजपा के एकरा अलावे TMC के बात कर ला 1 सीट ओकरा लगे रहे 4 सीट जीत के आई एक मतलब 3 सीट ओकरा फायदा मिलल बुड़ू है एकरा अलावे जनता दल यूनाइटेड 1 सीट उनका लगे रहे हार गईले 1 सीट के नुकसान भइल यानी कि 1 सीट के नुकसान भाजपा के 1 सीट के नुकसान JDU के यानी NDA के 2 सीट के नुकसान एकरा अलावे BSP के 1 सीट रहे 1 सीट के नुकसान भइल निर्दलीय 3 रहन 1 जीतले 2 के नुकसान भइल तो निर्दलीय के कोनो लेखा जोखा गैला घर के कोनो लेखा ना होके अब ऐसना में तू एगो बात समझो कि कांग्रेस के TMC के आपके आम आदमी पार्टी के सबके जोड़ लह DMK के जोड़ लह BSP के भी तू साइड कर दह लेकिन ई जोन एक गठबंधन में कांग्रेस TMC JDU आप और DMK बारे इनका संगे संगे 2-3-5 सीट के इनका फायदा भइल बा JDU तब गठबंधन से JDU के अलग करता नहीं कांग्रेस TMC आप और DMK ये इंडिया गठबंधन में बालो और इंडिया गठबंधन में इनका 5 सीट के फायदा भइल बा और ए लोग के नुकसान भइल बा 2 सीट के तेकरा मतलब कि एजो इंडिया गठबंधन आगे बा अब एक आगे के बात हम करते नहीं कि आखिर रुपौली के हार से कैसे खेल बदलल नीतीश कुमार अपन पूरा शक्ति लगा दे रहा है 2025 के चुनाव के तैयारी भी होता नीतीश कुमार के नेता भी मान लिहल गई रहा सारा लोग नीतीश कुमार के सामने अपन अपन पर्ची सादा कागज पर साइन करके दे रहे कि भाई मुख्यमंत्री तू ही रहो एपर लिख लो मुख्यमंत्री का नाम तू ही हमने के 2025 में अगुआ भी रहो तू ही आगे हमने के रणनीति बना के जितेबो हरेबो ये सारा बात लोग लिख के दे रहा लेकिन का ये लिख के देला से
काल हम ये बात खबर कैले रही कि अगर नीतीश कुमार हार जाता रहे तो का एनडीए के उहे स्थिति रही, का एनडीए तब भी नीतीश कुमार पर ही भरोसा करी? अब तो बुझात नहीं कि भरोसा करी। अब एमे सबसे बड़ बात बा कि जो दू गो मेन लड़ाका रहे हा दोनों पहलवान रिंग से आउट हो गए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब एजा से एक नया स्ट्रेटजी बनाई। और ये बात नीतीश कुमार के भी अब तक समझ में आ गई हुई कि 2024 के चुनाव ना हा कि एनडीए से कूद के आ गई नहीं, 16 गो सीट मिला ला 12 गो जीत गई नहीं, ये लोकसभा के ना विधानसभा के चुनाव हो। और एजा पूरा पूरा वोटिंग जोन बा पैटर्न देखे के मिली। अगर रुपौली के चुनाव तू देखता रहो तो रुपौली के चुनाव में एगो आंकड़ा हमरा लग रहा है कि एजा कुर्मी और कुशवाहा 45,000 के आसपास बाड़े, एकरा के एक जगह कर लो कुर्मी और कुशवाहा 45,000। एकरा अलावा मुस्लिम और यादव 50,000 बाड़े, गंगोत 70,000 बाड़े, ठीक बा? गंगोत ना जीतले जैसे, कुर्मी कुशवाहा जैसे ना जीतले, यादव मुसलमान ना जीतले, सवर्ण जीत के अले। अब एजा से गेम कैसे पलटत ये समझो। सबसे पहला सवर्ण के अगर तू देखता रहो तो सवर्ण अपना खातिर रास्ता खोजता, कई लोग नोटा पर वोट दबा देता। अच्छा, माने कि अब हो सकता है जैसे नया ट्रेंड चलो, वही नया ट्रेंड के बात बोले, सवर्ण अपन रास्ता खोज रहा बा। सवर्ण के संख्या 15% से अधिक बा, लेकिन 15% मान के चलो। दलित अपना खातिर जगह खोज रहा बा, ठीक बा? हमरा के लिमिटेशन मिलल बा, हम लिमिटेड सीट पर बानी, जहाँ जहाँ रिजर्व बताए ना हम लड़ते नहीं, लेकिन ओकरा बावजूद भी हमारा उप प्रतिनिधित्व नहीं मिलत जो हमारा मिले के चाहिए। कारण कि 100 में 20 गो तो हमनी के बनी जा, तो हमारा 20 गो के जगह पर मिले के चाहिए ना, जहाँ 100 गो लोग के बटाई वह 20 गो हमरो मिले के चाहिए। 20 गो ना देवा 18 गो देवा ना, कि 2 गो पास 3 गो पर समेट देवा, तो एक मतलब कि दलित समाज भी अपन जगह खोज रहा बा। तो एजा दलित के 19% 20% तू वोट जोड़ ल, ये दोनों के मिला के 34% वोट होता, ठीक बा? ये समझ में आ गई? ये 34% के एगो अलग कुनबा बन गए। एकर नेता अब हो गए शंकर सिंह। हम शंकर सिंह से आगे के बढ़ के बात करते नहीं, शंकर सिंह तो ओजा के लोकल नेता ने भैले, अभी विधानसभा चुनाव के लिए चलो, तो विधानसभा चुनाव में 34% के नेता इस तरह में के सबसे मजबूत नजर आता, सवर्ण में देख लो या दलित में देख लो, तो एक एक नाम तारा याद आई, दाढ़ी वाला युवा जोन की 5 गो सीट जीत के 100% रिजल्ट ले आकर के और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनावे में अहम भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान। दलित और सवर्ण के तू जोड़ लो तो ये 34% वोट, अब एकरा सामने अगर खड़ा कर दो MY समीकरण के तू, जिनकर 33% वोट कहा जाला कि उनका लगे बा, तब वह 1% वोट या ज़्यादा होता। बिल्कुल मतलब आवे वाला भविष्य में चिरागे सबसे आगे रही, फ्रंट पर रही, निश्चित रूप से। अब एकरा बाद जब MY समीकरण के तरफ तू देखता रहा तो मुस्लिम के लगे कोनो विकल्प नहीं थे, कुछ हद तक लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ आइडियोलॉजी बा जना के चलते कुछ परिवार हो सकेला, नीतीश कुमार के चलते कुछ परिवार हो सकेला, लेकिन ई वोट कहीं इन्हें उन्हें जाए वाला नहीं है, ये कन्फर्म बा। यादव कन्फर्म बा कि वो तेजस्वी जहाँ रही हैं वो जी एक टैंक पर खड़ा रही, इसमें कोनो दूरा नहीं, कुछ प्रतिशत की बात करो तो ओकरा के तू फिर कह दी गैला करके कोनो लेखा नहीं है। ये 30 हम 30% मान लेते नहीं कि 30% इन्हे बा, 30% उन्हें सवर्ण और दलित बा, 60% तो खत्म हो गई, बाकी बचल 40%। वो 40% में नीतीश कुमार के हिस्सा कितना बा? 15%। बाकी कितना बचल? 25%। तो कान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक आ सकेले बिना ये दोनों गठबंधन के? नया समीकरण गढ़ल जा रहा बा, वो नया समीकरण में अब दलित समाज भी और सवर्ण समाज भी अपना खातिर एगो विकल्प एगो नेता चुन रहा बा, जहाँ ओकरा सुकून मिले, चलो कुछ ना मिले तो दूसरों के कुछ ना मिले, ये संतुष्टि तो वही ना कि हम एकरा के जिता देनी। एकरा अलावे जो इंटरनल गेम चल रहा बा प्रशांत किशोर वाला, वो भी गेम बड़ी जबरदस्त हावी बा। प्रशांत किशोर का करिए का ना करिए एक अलग बात बा, लेकिन प्रशांत किशोर के स्लीपर सेल के तरह यूज करे के
कोशिश कल जा रहा बा जना के तू लगातार सुन ले अखबार तो लगातार बात पर खबर करतो बनी बिल्कुल। अब एकरा में तू देख लो भाई बात हमू ने की कहत नो ई डायरेक्ट तू अगर भारतीय जनता पार्टी के सुना तो ई तो अपना ही आदमी है ना ई सीधा तौर पे हम समझ गए क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, आरजेडी का बी टीम है। होने के लोग कहता कि अरे दादा ई पांडे मत जाइए होने बीजेपी के बी टीम हाँ कोका बा डरवाओ तो उ सारा चीज हो रहा बा। लेकिन जोन मेन जगह बा नीतीश कुमार आखिर चिराग पासवान से मांडवाली समझौता काहे कैले। नीतीश कुमार के पता बा कि चिराग पासवान जौना तरीका से स्पीड से बढ़ रहा बड़े वो स्पीड में चिराग पासवान अब पीछे नहीं खाना चूंकि उनकर अब राजनीति के उठान बा। माने नीतीश ये चाहता है कि चिराग के मतलब कंधा पर रख के बंदूक फायर कर दिया तो हमरो पार हो जाइए। बहुत बरियार बात बा में ऐसा चिराग पासवान नीतीश कुमार खातिर सबसे बड़ा डर बड़े। हाँ बिल्कुल बड़े। अगर चिराग पासवान 30% वोट के तू छोड़ दो अगर 20% वोट लेके आ जाता रहे तो सरकार 35-40% में बनेला। एक से बेसी में तू देख लिया सरकार नहीं के बना तो 35-40% अगर वोट आ गई जो गठबंधन के ओकर सरकार बन गई। अगर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में ये हाइपोथेटिकल हो सकेला लेकिन एगो विकल्प बा नीतीश कुमार के अगर मान लेते हैं कि 80-90 सीट पर चुनाव 90 सीट पर मान के चलो चुनाव लड़ता रहे और 90 सीट पर कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी लड़ता तो 180 सीट हो गई। 180 सीट में घटा दो 243 सीट यानी 63 को सीट जो बाँचा था वो 63 सीट में 40 सीट के आसपास ऐसे हूँ तो देख लो 30 सीट के आसपास जा रहा बा उनकर 6-5-30 अगर वो हिसाब से दे तो 30-35 सीट उनका बनत हुए 30-35 सीट उनका के दे दो और 30-35 सीट में अगर 33% वोट उनका मिल जाता तो सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले गई हैं। कारण कि उनका हाँ उनका वोटवा में कोई सेंधमारी नहीं क्या होता ना दलित में सेंधमारी हुई और ना ये सवर्ण में सेंधमारी हुई। सेंधमारी केकरा वोट में हुई तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार और भाजपा बीजेपी बिल्कुल। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार मान के चलो कि अगर 60-62 सीट जीत के आओ तो 90 में हम बहुत एवरेज बता रहे बनी और 60-62 सीट जीत करके आओ तो भाजपा तो सरकार केकर बनी सरकार तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के स्थिति पैदा हो रहा बा। और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के जरूरत अगर नहीं खे तो क्या जरूरत पड़े भारतीय जनता पार्टी के रखे के हटा दी। नीतीश कुमार के डर हो गई बा और नीतीश कुमार के बुझा गई बा कि विधानसभा में स्थिति उ नहीं होके वाला विधानसभा में कुछ विशेष करे के पड़ी और विशेष करे खातिर तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दिले बा चाहे वो नीतीश कुमार के माध्यम से होके चिराग पासवान के माध्यम से होके जीतन राम मांझी के माध्यम से होके या 8 जो सांसद बनौले बा उनका माध्यम से होके ललन सिंह कई दिन तरह लौकले है नीतीश के संगे अब तो मोदी के हो गए परमानेंट मोदी के यहाँ जाता रहे आवता रहे जाना आना कहत रहनी कि 11-12 सांसद बने नीतीश के थोड़े मोदी के पढ़ लो। अब ऐसा स्थिति में तू समझ लो कि अगर ये पूरा गेम बदल जाता तो गेम बदलना में नीतीश कुमार खाती एनडीए में कोनो जगह बचा था का तो नीतीश कुमार का कर यहाँ अपन 15% वोट लेके लालू दरबार उन्हें से तो बोला हटा उनका जबरदस्त आ रहा बा और 30% वोटो हो जा बढ़ुए तो ये लड़ाई कहाँ हो जाए बराबरी की लड़ाई खाली फिर से हो जाए 30% और 15% 45% और 65% होने। अब वो 65% में से ओकरो 45% जोड़ लो तो 45-45 90 और 10% जोन के को नैरो लाइन बा ओकरे पर चुनाव हुई और ओकरे पर हार जीत के फैसला हुई। याद हुई तरह के लोकसभा चुनाव के समय में कहले रही कि अब की हाली बिहार में जो 40 सीट के फैसला हुई ओकरा में ई के ना कह सकला कि हम 2 लाख से जीतनी हम 5 लाख से जीतनी एक आध सीट छोड़ के बाकी जीत हार के आंकड़ा 30-40-50 जैसे अथी विधानसभा में होला न वही तरीका से हुई। अब की हाली तरह से बता देते कि जो रिजल्ट आई वो और चौंकावे वाला हुई कारण कि एक बात पक्का मान के चलत हूँ कि अब की हाली की लड़ाई बहुत कड़ा हुई और एक कड़ा लड़ाई में जीत हार के आंकड़ा अंतिम क्षण तक जैसे देखला 13-14 राउंड होला केहू 10 वोट से जीती केहू 1 वोट से जीती केहू 40 वोट से जीती आ केहू के जितावल जाइ जैसे कि कहल जाला
ना तेजस्वी यादव कहलन कि 20 गो सीट हमारे हरावल गई बा तो केहू के जितावल न गई। इस सारा परिस्थिति सब कुछ तरह देखे के मिली और 2025 के चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान या NDA अपना के कैलकुलेट नहीं करत जना तरीका से जैसे पूरा बिखरल नजर अल और तेजस्वी यादव एक बार फिर से सामंजस्य बिठा के कांग्रेस के साथ, वाम दल के साथ और जो उनकर साथी गठबंधन वाले, अब तो तरह बुझा तनों कि सीधे VIP के तो खत्म करे के तैयारी चल रहा है। बहुत मेहनत करता रहे मुकेश सहनी लेकिन बावजूद भी पनपत नहीं खन, भारतीय जनता पार्टी को नया नेता पैदा करे के तैयारी बा। तो इस सारा समीकरण के जोड़ के देखो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खातिर चिंता के कारण जरूर बा, कारण कि कुर्सी पर नीतीश कुमार के बैठे के बा, ऐसे नीतीश कुमार के ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा त्याग करे के पड़ी। ये चलते निश्चित रूप से ये चलते नीतीश कुमार हो सकेला कि अपन कुर्सी बचावे खातिर और आगे के विकल्प देख ले, उनका ये बुझा जाए, एहसास हो जाए तो वो NDA से बाहर भी हो सके। चलिए देखिए तो एक बार फिर से NDA से बाहर होके कहे प्लान नीतीश कुमार रचत रहे। हालांकि अगर प्लान ए सफल हो गए NDA गठबंधन में तो प्लान बी के क्रॉस लगा दी है संभावना का बा। खूंटा पर लगातार चर्चा होते रही, जुड़ रही अपने चैनल के साथ है, अपन शो देखते रहें। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।